हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्रोही शो के बारे में, जो कि स्टार प्लस पे लॉन्च होने वाला है जल्द ही 11 अक्टूबर को। 6:30 बजे की टाइम स्लॉट इसको मिली है। तो शरद मल्होत्रा और सुलग्ना पनिग्रह इसमें मेन लीड्स प्ले कर रहे हैं, काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स। अब कुछ और टैलेंटेड नाम और काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर नाम जो है हमारे इंडस्ट्री के, वो इस शो से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन है। तो गाइज़, पहला जो नाम है वो है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन अभी करेंटली KBC को भी होस्ट कर रहे हैं और ZTV के नए अपकमिंग शो 100 डेज इन हेवन में भी वो रहने वाले हैं, वो भी रियलिटी टीवी शो है। और गाइज, अब काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो आपको विद्रोही में भी एसोसिएटेड देखने को मिले, यानी कि वो इस शो से भी एसोसिएटेड रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शो में दिखेंगे नहीं, लेकिन वो शो के लिए वॉइस ओवर्स के लिए उनको रोप इन करना चाहते हैं मेकर्स, लेकिन अभी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अमिताभ बच्चन इसमें वॉइस ओवर देते आपको नजर आएंगे विद्रोही सीरियल में। और गाइस, जो दूसरा नाम है वो है रजत कपूर। तो रजत कपूर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं बॉलीवुड फिल्म्स वगैरह से, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं, वो भी इस शो में के वॉइस ओवर्स करने के लिए शॉर्ट लिस्ट में हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस शो में वॉइस ओवर दे सकते हैं विद्रोही में। तो यहाँ तो अब ये हो सकता है कि रजत कपूर और अमिताभ बच्चन दोनों ही विद्रोही के लिए वॉइस ओवर्स दें, या फिर ये हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को फाइनलाइज करा जाए विद्रोही में वॉइस ओवर देने के लिए। तो शो जैसे चलता है, कोई ना कोई नरेट करता है स्टोरी को, तो वैसे नरेशन के लिए वैसे वॉइस ओवर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये दोनों ही एक्टर्स जो हैं, इनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा दमदार है, तो मेकर्स जो हैं इनको लेना चाहती है अपने शो विद्रोही के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नामों को एसोसिएट किया जा रहा है इस शो से, और इस शो का जो बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो काफ़ी ग्रैंड स्केल वाला है ये शो है, और स्टार प्लस इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखता है। इसको फिर भी शाम के टाइम स्लॉट पर इसलिए लॉन्च किया जा रहा है बिकॉज स्टार प्लस काफ़ी ज़्यादा चाहता है कि उनकी जो शाम की अर्ली टाइम स्लॉट्स हैं 6:30 वगैरह की, 6:30, तो उनको वो स्ट्रेंथन करे, वहाँ पर भी जो उनके शोज़ हैं वो बहुत अच्छे TRP लाएँ, 2 के आसपास के TRP लेकर आएँ। तो ये स्टार प्लस चाहता है, इसी करके इतने पावरफुल शो को भी अर्ली टाइम स्लॉट पे वो लॉन्च कर रहा है, और अब बड़े बड़े नाम उससे एसोसिएट होने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं अमिताभ बच्चन या रजत कपूर कौन शो में वॉइस ओवर देगा, या फिर दोनों ही बारी बारी देंगे, या फिर इनमें से कोई एक। अभी के लिए यही है कि इन दोनों में से कोई एक दे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए साइन नहीं हुआ है। तो यही थी विद्रोही के बारे में आज की खबर। वीडियो लाइक कर दीजिए, कुछ इन्फो मिली हो शेयर कर दीजिए स्टार प्लस विद्रोही के फैंस के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। और गाइज, ऐसी ही लेटेस्ट स्टार प्लस की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।